कुमार मौर्य जी, आप ही के साथ। अब तो कम से कम ये जो सपना आप देख रहे थे सरकार बनाने का, उस पर विराम लगाया होगा आपने। अब तो कम से कम स्थिति स्पष्ट हो रही है कि ना टीडीपी ना जेडीयू, कोई नहीं आएगा आपके साथ। जी बिल्कुल, जनता का जो भी समर्थन मिला, जो उनको धन्यवाद, अगर जनादेश हम लोगों को विपक्ष में रहने का है तो स्वागत करते हैं, और बहुत ही मजबूती के साथ हम एक मजबूत विपक्ष के रूप में निरंकुश सरकार को, जिस तरीके से मोदी जी की सरकार निरंकुश चल रही थी उस तरीके से नहीं चलने देंगे, और बढ़िया लोकतांत्रिक तरीके से सरकार जो है काम करेगी, और हम उनके साथ जो है जो जनता के हित के मुद्दे हैं उन पर सहयोग करेंगे। चलिए, अच्छा लगा आपके मुंह से ये बात सुनकर, क्योंकि देखिए इससे पहले जो जोर तोड़ की राजनीति पर तमाम जो अटकलें लगाई जा रही थी, और आपने चुनाव से पहले बहुत बड़े बड़े वादे लोगों से किए थे कि हम जोर तोड़ की राजनीति पर विश्वास नहीं करते हैं, हम क्लियर मैंडेट चाहते हैं और हम शुद्ध तरीके से राजनीति में लौटकर वापस से आपकी सेवा में लगना चाहते हैं, तो आप कहीं ना कहीं आपने उस बात को एडमिट किया और बोला कि अगर जनता चाहती है विपक्ष में बैठे तो हम मजबूत तरीके से विपक्ष में बैठकर सरकार को रोकने का काम करेंगे, जनता के सरकार का काम करेंगे, सरकार की नीतियों का, जो जो जनविरोधी नीति आपको लगेगी, जाहिर तौर पर विपक्ष यही करता है ना सर। ठीक है, मैं लौटती हूं आपके पास, लेकिन राहुल आनंद जी, ये स्थिति जो अभी एनडीए के सामने है, खासतौर पर बीजेपी के सामने है, ये बदली भी जा सकती थी अगर आप वक्त रहते बीजेपी यानी कि उत्तर प्रदेश की नब्ज को पकड़ पाती। देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है, धरा होती विकराल, जब जब मुसीबत का समय आता, किसी रूप में कोई महामानव आता। देखिए, ये हार जीत और जो नंबर का जो गेम है ये राजनीति में लगा रहता है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये है कि जो 60 साल राज करता है वो 100 के अंदर समेट के रह जाता है तीसरी बार में, और जो नई पार्टी है उनके सामने जो नई पार्टी है वो तीसरी हैट्रिक में 242 के आसपास आ जाती है, तो इसी से अंदाजा लग जाता है कि कथनी और करनी में कितना फर्क है। और जहां तक स्ट्राइक रेट की बात करें तो स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी का रहा है, और जो सरकार बनाने की बात की जा रही थी तो सरकार फिर मजबूती के साथ, लेकिन सर ये भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए कामयाबी की बात है, बेशक वो 100 के नीचे ही रह गई, 99 पर ही अटक गई, लेकिन 2014-2019 के बाद अगर परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाए तो काफी हद तक इम्प्रूवमेंट की है उन लोगों ने, यात्राओं का फायदा मिला है उन लोगों को। देखिए शिल्पा जी, लोकतंत्र में विपक्ष का भी उतना ही महत्व है जितना कि सत्य पक्ष का महत्व होता है, लेकिन ये हमारा विपक्ष बातों को समझ नहीं पाता है और अपनी आप को गंभीरता से लेता नहीं है, और ये राजनीति में जो हमें अंक प्राप्त हुए हैं इसका हम सम्मान करते हैं। लेने के लिए सर आंकड़े भी चाहिए ना, बेचारों के पास ना 14 में ना 19 में आंकड़े ही नहीं थे, कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल ही नहीं बन पाई थी, तो फिर क्या ही करते, लेकिन इस बार जबरदस्त बाउंस बैक किया ना इंडिया गठबंधन ने। देखिए शिल्पा जी, ये अच्छी बात है कि लोकतंत्र में कम से कम इस बार तो इन लोगों ने ईवीएम को दोषी नहीं ठहराया, ये तो सबसे बड़ी बात है। आपने सुना क्या कहीं कि ईवीएम हैक कर लिया गया, क्योंकि इनके मन मुताबिक नतीजे मिल गए। अगर यही चीज मैं समझाने की कोशिश करता हूं, और सारे पैनलिस्ट समझते भी है इस बात को, लेकिन फिर भी ईवीएम का रोना रोते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो राष्ट्रीय कार्यालय से जो भाषण दिया था उसका चंदन और अभिनंदन भी करना पड़ेगा, क्योंकि इतने अभिनंदन करते रहिएगा सर आप पहले, लेकिन मैंने जिस सवाल का आपसे जवाब मांगा था वो तो दे दीजिए। यूपी में नब्ज क्यों नहीं टटोल पाए आप जनता की? देखिए, यूपी की दिल्ली का जो रास्ता होता है यूपी से होकर गुजरता है। अगर इसके ऊपर अगर हम बात करें तो एक बहुत पहले भी जब जीएसटी लागू किया गया था तो गुजरात से भी जो नंबर हमें मिले थे उसमें भी हमने अव्वल अंक ही प्राप्त किया था। और जहां तक प्रश्न ये उठता है, गुजरात माफ कीजिएगा उत्तर प्रदेश को लेकर, तो इसमें एकदम साफ और स्पष्ट है कि हमने 200 के ऊपर के आंकड़े को बरकरार रखा, और जनता ने जो तय किया उसका हम सराहना करते हैं, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, और सरकार बनाने के लिए और जो चैलेंज दिया गया है जनता के द्वारा, जो चैलेंज दिया गया है उसका हम सम्मान करते हैं। और इस बात को मैं आपको भले बातें आपके चैनल के माध्यम से इस बात को बड़ा स्पष्ट कर दूं कि इस बार भी सरकार पूरे मजबूती के साथ बनेगी और मजबूती के साथ चलेगी, ये नरेंद्र मोदी जी के आत्मविश्वास के साथ झलक चुका है। और जो हमारे गठबंधन के साथी हैं, जो कयास लगाई जा रही थी सुबह से, लेकिन अब आपको अपने गठबंधन के साथियों को भी पूछना पड़ेगा, न सिर्फ पूछना पड़ेगा बल्कि मनाना तक पड़ सकता है सर। अब तक तो एक तरफा फैसला ले लिया करते थे
पीएम मोदी, लेकिन अब पूछने के साथ साथ मनाने की भी नौबत आ सकती है। इस बात का आपको अगले 5 साल ख्याल रखना होगा।